अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोगों का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। एंट्री के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, जो क्या कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें फैसले लिए गए हैं एंट्री को लेकर, वैलिड वीजा को लेकर, एक्सपायर वीजा को लेकर। यानी कि जिसके पास में जो भी रेसिडेंसी है, कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर, अगर वो कुवैत से बाहर हैं तो किसी भी देश में है, 18 नंबर वाले, 20 नंबर वाले, तो उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि अब उन लोगों को एंट्री मिलेगी। क्वारंटाइन कितने दिन रहना पड़ेगा, बिना वैक्सीन के क्या कुवैत में एंट्री करेंगे, या फिर वैक्सीन लेनी होगी तो कौन सी वैक्सीन लेनी होगी, वो मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। तो जरूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें, और ये आज की काफी बड़ी अपडेट होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है, और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो क्या काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार करना होगा खत्म। अभी जो डेट है वो पूरी फाइनल कर दी गई है, और कौन कौन से लोग एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कुवैत में आपको एंटर करना है तो एंटर करने के लिए वैक्सीन लागू होना जरूरी है। वैक्सीन कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। चार वैक्सीन है जो क्या कुवैत ने अप्रूव की है, अगर किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, खास करके अगर इंडिया के अंदर है तो आपको जो है कोविशील्ड जो वैक्सीन लग रही है इंडिया के अंदर, सिर्फ वही वैक्सीन लेनी है, दूसरी कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो क्या इंडिया के अंदर अप्रूव्ड हो, जो क्या कुवैत सरकार ने उसको अप्रूव किया हो, क्या वो लगवा के वैक्सीन एंट्री कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही बताना बेहतर समझूंगा कि आपको कोविशील्ड के दोनों डोज ले लेने हैं और आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं है। अगर अदर कंट्रियों में तो जॉनसन एंड जॉनसन आप ले सकते हैं, मॉडर्न ले सकते हैं, और भी इस तरीके की जो वैक्सीन है वो आप ले लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है जिस कंट्री में अगर ये वैक्सीन है मिल रही हो तो। लेकिन इंडिया के अंदर कोविशील्ड की है, आप उस वैक्सीन को ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो एंट्री मिलेगी प्रवासी लोगों को, जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं, पहली अगस्त यानी कि जो 1 अगस्त आएगी उससे एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। जितने लोगों को वैक्सीन लग हुई होगी वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे, चाहे उनका वैलिड वीजा है, वैलिड अकामा है, नहीं है, जिनको जो भी है वो उसी वीजा पे एंट्री कर पाएंगे। यानी कि अगर वैलिड है तो एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज वैलिड नहीं है तो अपने कंपनी कफिल से कॉन्टेक्ट करके मैं एंट्री वीजा ले लेंगे, उसके बाद में जो एंट्री कर पाएंगे। अगर उनको वैक्सीन लगी है तो उनके पास में 72 घंटे के अंदर का PCR होना चाहिए। PCR लेके जाने के बाद में वहां पे 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहना होगा, 7 दिन के बाद में PCR आपका होगा, और अगर आपका PCR निगेटिव आता है तो आप उसके बाद में कामकाज पे वापसी कर जाएंगे, यानी कामकाज आप करने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको एंट्री मिलने वाली है, चाहे आपका कोई भी वीजा हो कुवैत के अंदर। अब 1 अगस्त के बाद में फ्लाइट शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह पूरे तरीके से लोगों को एंट्री मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सके और जान सके अभी कुवैत में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है, उसमें क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छी अपडेट आ रही थी, आप लोगों तक शेयर किया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है रेस्टोरेंट कैफे वगैरह और मॉल वगैरह जो बड़े बड़े मॉल हैं, आने वाले वक्त में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को मॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप जो है कुवैत में वैक्सीन ले लीजिए, अगर कुवैत में जाएंगे तब भी आपको वैक्सीन लेना पड़ेगी, तो ये चीज भी आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, मास्क को लेकर आ रही है। ये सारे फैसले जो है मीटिंग में लिए गए हैं, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें अगर कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी घूमता बिना मास्क के तो उसको 50 KD का जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ये भी आपको जरूरी समझ लेना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो अगली अपडेट आ रही है लॉकडाउन के हवाले से। कैबिनेट की मीटिंग में ये भी फाइनल कर दिया गया है, ना ही 10 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे का कभी भी अब लॉकडाउन नहीं लगेगा कुवैत में। आने वाले वक्त में कोई भी स्थिति आ जाए, फिलहाल में तो यही अपडेट आ रहा है निकल के, लेकिन आने वाले वक्त में क्या है क्या नहीं होगा वो खुदा ही बेहतर जाने, लेकिन फिलहाल में जो है लॉकडाउन की बात भी इनकार कर दी गई है कि लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। PCR आप लीजिएगा, वैक्सीन लगवाइएगा, और 1 अगस्त के बाद में आप अपने बैग वैग तैयार कर रखिए, 1 अगस्त के बाद में आपको इंशाल्लाह एंट्री मिल जाएगी। तो ये आज की बड़ी खबर थी एंट्री के हवाले से। मिलेंगे से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।